लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी पार्टी की नीति और रीति का गुणगान कर रही हैं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए शनिवार को चारूचंदपुरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस जनपद गोरखपुर की जिला पदाधिकारियों, विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रभारियों की बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल सिंह पुरोहित ने कहा कि बूथ और यूथ की मजबूती से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल सिंह पुरोहित ने कहा कि बूथ और यूथ की मजबूती से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। बैठक में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महंत तिवारी, राकेश यादव, अरुण अग्रहरी, स्नेहलता चतुर्वेदी और युवा कांग्रेस सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल सिंह पुरोहित ने कहा, किसने हम लोग खड़े हैं, जो हमारे युवा साथी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कांग्रेस के जो सम्मान, आने वाले गोरखपुर के जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक न्याय योजना गरीब को गणेश मान के घर में उसके खाते में 72,000 रुपया प्रति वर्ष कर सके, ये हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का एक सपना। आज गोरखपुर जिला युवक कांग्रेस के जो हमारे यूथ हैं और जिला के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत पाठक, उन्होंने जिला युवक कांग्रेस की बैठक आगामी गोरखपुर लोकसभा चुनाव के युवाओं की अच्छी तरीके से मजबूत भागीदारी जिस तरीके से होनी चाहिए, हर एक बूथ के ऊपर यूथ मजबूत हो तो हमारा कांग्रेस की तरफ से बूथ मजबूत होगा, उस उद्देश्य को लेकर, और जो राहुल जी ने जिस तरीके से 72,000 रुपया एक गरीब के खाते में, हिंदुस्तान के 25 करोड़ गरीब के खाते में एक मान और सम्मान के लिए, उनके न्याय के लिए 72,000 रुपया प्रतिवर्ष की जो एक न्याय योजना, बहुत ही एक लोकप्रिय योजना जो राहुल जी ने दी है हिंदुस्तान की आबो आवाम को, वो जन जन तक, घर घर तक, एक एक दस्तक दे हमारे यूथ कार्यकर्ता, साथ ही युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर, हमारी महिलाओं के लिए, तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो बहुत ही राहुल जी ने एक आम किसान को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के, गरीब को ध्यान में रख के, एक मजदूर को ध्यान में रख के, छत्तीसी कौम को ध्यान में रख के, उनकी उन्नति, प्रगति, उनके विकास, उनके सम्मान के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए उनको आधुनिक हथियार मिले, इस तरीके से जो एक बहुत ही एक लोकप्रिय और बहुत ही जनउपयोगी घोषणा पत्र माननीय राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के संदर्भ में लेके आए हैं, उस घोषणा पत्र को एक एक घर तक पहुँचाने का काम हमारे युवा साथियों ने, भाई बादल चतुर्वेदी, भाई अभिजीत पाठक की एक मजबूत यूथ कांग्रेस की टीम, इन्होंने अपने जिम्मे लिया है, अपने कंधे पे इस बात का इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम हर बूथ के ऊपर युवक कांग्रेस की एक मजबूत टीम रहेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बने, मतदान हो, कोई भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान से वंचित न रह जाए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उनको सहयोग करें, और एक रणनीति के रूप में आज उन तैयारियों के बारे में पूरे गोरखपुर जिला युवक कांग्रेस के हर ब्लॉक से, ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं, वो सब लोग आए, उनके साथ बैठक की, चर्चा की, विचार किया और एक आगे की रणनीति बनाई, आज उसी संदर्भ में ये बैठक रही।